हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में 30x30 प्लॉट साइज़ के ऊपर प्लान और एलिवेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल बताने वाला हूँ मैं, जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। ये प्लान जो है वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वास्तु कंपेयर ना करें, क्योंकि ये जो हमारे क्लाइंट है ये साउथ साइड के हैं, मिस्टर शंकर रेड्डी, कर्नाटक, साउथ इंडिया। ओके, ये इनकी वास्तु की ज़्यादा डिमांड नहीं थी, इसलिए हमने विदाउट वास्तु इनका डिज़ाइन किया था। इनको प्लान पसंद आ गया, प्लस एलिवेशन भी पसंद आ गया है। वो आपको 3D में भी आपको दिखाएंगे इसे दोस्तों। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनके प्लॉट साइज से रिलेटेड जो भी हम डिज़ाइन अपलोड करेंगे वो उनको मिलती रहे। ओके दोस्तों, जिस किसी को भी अगर प्लॉट डिज़ाइन करवाना है, प्लान या एलिवेशन डिज़ाइन करवाना है, उसके लिए चार्जेस जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन को पूरा आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही आप मुझे कॉल करें दोस्तों। ये हमारा 3D मॉडल है, मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि प्लान समझने में आसानी होगी। ये जो डिज़ाइन है आपका 30x30 में बना हुआ है, ठीक है, मेरे हिसाब से अब क्लियर हो जाएगा आपको प्लान समझने में। तो हम चलते हैं 2D प्लान। ये हमारा प्लान और एलिवेशन है। यहाँ पे हमने जो रेंडर करके जो इमेज निकाली है वो ये है आपका। साथ में साथ मैं दोनों को कंपेयर करते हुए चलूँगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 30x30 का जो है प्लॉट साइज़ है, प्लॉट साइज़ तो काफ़ी बड़ा है। प्लॉट साइज़ इधर आपका लेफ्ट साइड से भी है, प्लस ये वाला भी एरिया है। लेकिन क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि आप 30x30 में ही बनाओ, तो उस हिसाब से हमने डिज़ाइन किया था। ठीक है, डिज़ाइन में आपको बता देता हूँ, प्लस जो भी हम बालकनी ऊपर निकाले हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब ये है टोटल 4 फुट, ठीक है, मतलब 4 फुट हमने अंदर लिया हुआ है 30 में से। आपका जो है आपका ये टोटल आपका 26 हो गया यहाँ से पीछे तक, जिसमें से हमने 4 फुट ये जो माइनस किया हुआ है स्पेस, प्लस ये आपका 16x10 का जो है कार पार्किंग है, 16x10 ही है। और यहाँ पे आपका प्लांटर बेड आ गया 1, 2। ये हमारी जो है एंट्री बन रही है, स्टेप 1 स्टेप 2 करके हम यहाँ से जा रहे हैं अंदर। एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद हम हॉल में आ गए। हॉल हमारा काफ़ी 17x16 का है, जिसमें ये स्टेयर्स इंक्लूड है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हमारी किचन आ जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा शाफ्ट प्रपोज किया है हमने, जो वेंटिलेशन हो सके इसमें आसानी से, क्योंकि पीछे जो है अदर प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने ऐसा किया हुआ है। यहाँ पे एक बाथरूम आ गया आपका, और यहाँ पे एक बेडरूम आ गया 11x15 का। एक सेकेंड, सॉरी, ये जो रूम है 11x12 का है। ओके, अब मैं आप फर्स्ट फ्लोर पे चलता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे जो है हमने ये पूरी बालकनी ले ली, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इमेज में देख रहे हैं, ये पूरी जो है आपकी ये वाला पोर्शन, ये पूरा बालकनी है, ये आपका पूरा बालकनी है। ये वाला जो पोर्शन है इसकी बात कर रहा हूँ मैं,
ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये जो ग्रे कलर में आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये वो है, ठीक है। तो ये एक तरीके से इतना पोर्शन जो है ढका हुआ है, ये ओपन टू स्काई नहीं है, और ये जो क्रॉस लगा हुआ है आपका, ये ओपन टू स्काई है। ये पूरी बालकनी, एज ए बालकनी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, प्लस ये आपकी बालकनी मिल जाती है, और यहाँ पे आपका शाफ्ट है जैसे आपको एलिवेशन में दिख रहा है, जो फंडर मैक्स वुडन क्लैडिंग की है हमने। ओके, तो इस पे हम आ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आते ही हम यहाँ पे लॉबी में एंटर करते हैं। लॉबी में एंटर करने के बाद जो है बेडरूम 3 में हम एंटर करते हैं। इसका साइज जो है 11998। ओके, इसमें एक अटैच बाथरूम है। प्लस बेडरूम 2 में हम एंटर करते हैं। ये आपका 15 फुट है, 11 फिट विड्थ है और 15 फिट लेंथ है। इसमें अटैच बाथरूम है, प्लस आपका एक स्टडी रूम है। ये शाफ्ट एज ए कंटिन्यू होगी ऊपर तक, ठीक है। ये पोर्शन हो गया, मैं आपको एक बार और पिक्चर दिखाता हूँ। ये ग्रे कलर का है, प्लस ये पूरी बालकनी हो जाती है आपकी, ये बालकनी हो जाती है, और ये जो शाफ्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन ये है आपका। ये एल बैंड में मैंने आपको 3D में दिखाया था, वो आपको पूरा दिख रहा है। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे जैसे ही हम एंटर करते हैं लॉबी में, आपका एक यहाँ पे एक स्टोर रूम मिल जाता है और एक बेडरूम मिल जाता है। ये आपका बेडरूम 4 है, जिसका साइज भी है जो 11x15 ही है। एक अटैच बाथरूम है, प्लस यहाँ पे आपको जो है एक बालकनी मान लो, या फिर ओपन टू स्काई टेरेस मान लो, ठीक है। और ये वाला जो डॉटेड में पोर्शन जो दिख रहा है, ये सारा जो है नीचे का पार्ट है, मतलब ये फर्स्ट फ्लोर पे जो बालकनी आ रही थी ना, वो उसका है। आप इसको भूल जाओ, इसको मान लो कि ये कुछ भी नहीं है, बस ये आपको दिखेगा। ये बता देता हूँ मैं आपको, ये वाला पोर्शन है ये जो वाइट और ग्रे की दो पट्टियाँ दिख रही है ना, बीच में वाइट, ये है इसका छज्जा। और ये वाला पूरा स्पेस जो है ओपन टू स्काई है यहाँ पे, और हमने जो है ऊपर भी UPVC विंडोज ले रखी हैं स्लाइडिंग, और इधर फ्रंट में भी फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे किसी की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।